ये जब मेरे पास आए उन्होंने कहा कि एक ट्रैक पे मुझे जाना है, उसको मुझे उस ट्रैक पे पहुंचना है, उसके लिए मुझे फिट होना है, जो मेरे लिए बेहद ज़रूरी है, उसकी टिप मुझे मिले जिससे मैं चढ़ने में मुझे बहुत आसानी हो उस ट्रैक पे पहुंचने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो सबसे बड़ा टास्क यही था कि इनकी फिटनेस बेहतर की जाए, अच्छी की जाए। तो उसके लिए ये था कि अपने टाइमों में से एक घंटा डेढ़ घंटा मुझे अलग निकालना था, जो इनको खासकर इनको देना था। तो मैंने इनसे कहा कि मेरे जो 2:30 से 3:30 बजे वाला टाइम है वो मेरा फ्री है, आप आओ और पूरा हम आपके लिए पूरा जितना डेडिकेशन से आपके साथ हैं पूरा आपको सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। तो वहाँ से मेरी शुरुआत इनकी हो गई। सबसे अहम चीज़ थी कि उसमें कोर, लेग और शोल्डर जिनका बड़ा अहम रोल है, जो ज़्यादा चाहिए, उसको फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हमने काम कोर शोल्डर्स पे किया, फिर इनकी लेग्स पे, कोर पे, जो बेहद ज़रूरी था इनके लिए। और फिर इनको बताया कि इनको कितना केजी वेट लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे जाके वेट मेन चीज़ था, कैरी करना, इतना वेट कैरी करके वो जहाँ पहुँचना वो अहम चीज़ थी। उसके लिए इन्होंने मैंने इनको इंक्लाइन ट्रेडमिल कराई और उस पर रनिंग कराई, वेट इनके बैक पे वेट डाल के शोल्डर्स पे। तो उनको ये कार्डियो एक्सरसाइजेस कराई, क्रॉस फिट एक्सरसाइज जो इनकी फिटनेस के लिए बेहद ज़रूरी थी, आपके एरोबिक्स हो गया, आपके क्रंचेस हो गए, लेग्रेज हो गई, और बहुत सी जो एक्सरसाइजें इनके लिए बेहतर थी वो कराई। और इनको साथ साथ मोटिवेट भी करते रहे कि आप यहाँ से आप ये समझ लो आप उस ट्रैक पे पहुँच रहे हो, आपको ऐसे जुनून में मेहनत करनी है, ऐसी मेहनत करनी है कि आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका इंडिया आप पे प्राउड करे, आपको गर्व महसूस हो अपने अंदर। तो उस लिए आपको यहीं पर एक ट्रैक की मेहनत करनी है पूरा डेडिकेशन से साथ। इन्होंने साथ दिया, हमने इनसे पूछा भी, जब बड़े थक जाते थे हम सोचते थे अरे अब थक गए, एक घंटा हो गया छोड़ देते, तब भी इन्होंने बहुत मेरा पूरा साथ दिया कि नहीं सर हम और करेंगे सर भाई आप और हमको कराएं, हम करते रहेंगे। तो मेरा भी जो जोश था वो और गुना बढ़ गया कि मैं और इनको अच्छे कराता रहूं, और ज़्यादा इनको मैंने टाइम दिया, कोशिश की कि पूरा परफेक्ट करके आएँ। और इनको ये बता दिया कि तुमको जो तैयारी करनी हो एक दिन में सबमिट कम्प्लीट करना है, तो वो उस लिए तुमको तैयारी करनी है जिसमें पूरा अपना 100% देना है। तो उसी हिसाब से इनकी वर्कआउट चलती रही, और मेरा मुझसे जो हो सका मैंने किया इनके लिए कि ये वहाँ तक पहुँचे और अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने देश का नाम रखें। ये फिटनेस की तैयारी यहाँ कब से कर रहे थे? इनके 15 डेज इन्होंने तैयारी की, 15 दिन इनकी तैयारी थी, टाइम इनके पास कम था, और मुझे 15 दिन में इनकी समझ लिए 1-2 महीने की तैयारी करानी थी। तो मेरे पास टाइम कमी के होने के कारण मैं जितनी भी अहम फिटनेस पे, मेन कारण यही था कि इनके लेग्स, स्क्वाट्स, आपके शोल्डर्स और आपके कोर वो बहुत सॉलिड हों, जिनके लिए आपको आसान हो वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो उस पर काम किया, उस पर ज़्यादा फोकस दिया। मेरा नाम अक्ष गुप्ता है, और जो पर्वत की बात है वो है क्वारी पास समिट, जो कि 12,500 फीट पर समिट, और जो कि जोशीमठ में है उत्तराखंड में, तुगासी विला से इसका ट्रैक स्टार्ट होता है। और ये जो ट्रैक है वो मिनिमम मैक्सिमम 4 दिन का है, और इसको हम लोगों ने 1.5 डे में कंप्लीट करके, मतलब 1 डे में ही समिट करके, और 1.5 डे में हमें काम होता है। और जो ट्रैक की जो मेन चीज़ होती है वो होती है मेन फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्टेबिलिटी, कि आप कहाँ पर क्विट करते हो और आप कहाँ पे। तो फिजिकल की बात रही तो फिजिकल के लिए मेरे ट्रेनर असद भाई, इन्होंने मुझे 15 दिन में बहुत ही प्रॉपरली ट्रेन किया, और इसका भी बनाया कि मैं इतना वेट लेके इतना ऊपर जा सकूँ, जो कि 15 से 20 किलो का वेट था मेरे शोल्डर्स पे, मतलब लाइक मेरे लगेज, मेरा बैग, मेरा सारा कैंपिंग का सारा सामान, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं। और दूसरी चीज़ रही बात टेम्परेचर की, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर था वो रात में जो मिनिमम टेम्परेचर था सबसे ज़्यादा वो था -11, जिसमें हम लोग ने 11,000 फीट पर कैंपिंग की। और जो पूरा स्नोई रूट था, अनइवन टेरेन, मतलब उबड़ खाबड़ रास्ते, मतलब ये सारी चीज़ें, और डिफिकल्टीज बहुत आई चढ़ने में, हम लोग कई बार गिरे भी, फिसले भी, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती ट्रैक में, गिरना उठना। तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोग ने इसको सबमिट किया, और मेरे साथ 2 दोस्त भी गए, उनको भी पुश करके ऊपर लेके गए, और हम लोग ने फतेह हासिल की, सबमिट किया वहाँ पर एक ही दिन के अंदर। फिर से कहना चाहूँगा जो 4 दिन का होता है उसको हम लोग ने 1 दिन में सबमिट किया। और जो भी था, थैंक्स टू असद भाई भी और मेरे टीममेट्स भी। देश के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, संदेश ये रहेगा, एक उन्हें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इन सब चीज़ों से, कि
जाओ ट्रैकिंग पे जाओ, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को ट्रेन तो कर लेते हैं फेस के लिए, बट हम उसे कहीं यूज़ नहीं कर पाते हैं। अकबर जब हम जब एक ट्रैक पे होते हैं, एक ट्रेन पे होते हैं, तो हमें पता चलता है हमारे कैपेबिलिटी कितनी है, कितना हम अपने आप को पुश कर सकते हैं, कहाँ पे क्विट कर सकते हैं, कहाँ पे क्विट करते हैं, कहाँ पे नहीं करते हैं, हम आखिरी तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते, हमारी बॉडी कितनी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं, बहुत सी चीज़ें हमें नोटिस करने को मिलती हैं। तो इसलिए एक ट्रैक पे जाने का अलग ही मज़ा है, एक समिट का अलग ही समिट। और जब आप समिट पे होते हो ना, तो आप अलग ही लेवल होता है, अलग ही व्यूज़ होते हैं वहाँ पे, अलग ही अंदर से फीलिंग्स होती हैं, आप हम्बल फील कर रहे होते हैं, बहुत ही मोटिवेटेड और लाइक समथिंग। तो ये एक मैसेज है, आप जाओ, मतलब ये सब चीज़ें करनी चाहिए एडवेंचर आपको लाइफ में। आज के समय में कितना फिटनेस ज़रूरी है? फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिटनेस तो हमेशा से ही ज़रूरी रहा है। कुछ ना कुछ तो आपको फिजिकली वर्कआउट करना ही चाहिए, और कहीं ना कहीं फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहिए, भले ही आप स्पोर्ट्स में हो, जिम में हो,